फ्रेंड, स्टॉक मार्केट एक समुंदर जैसे है। यहाँ पर से आप जितना भी पैसा चाहे उठा सकते हो, जितना भी पैसा चाहे आप कमा सकते हो, डेली आप करोड़ रुपया प्रॉफिट कर सकते हो। उल्टा साइड में हम लोग देखिए तो यहाँ पर से डेली करोड़ रुपया आपको लॉस हो सकता है, अरबों रुपया लॉस हो सकते हैं। मतलब आपको कमाने का जैसे यहाँ पर अनलिमिटेड कमाने का मौका है, सेम यहाँ पे अनलिमिटेड दोस्तों आपको पैसा गंवाने का भी मौका है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लर्न करना पड़ेगा, उसके बाद अर्न करने का प्लानिंग सोचना पड़ेगा। विदाउट लर्निंग आप कैन नॉट अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम हियर। आपका पास अगर लर्निंग नहीं रहेगा तो यहाँ पर सब कुछ कमा नहीं पाओगे। तो आपका पास जितना पैसा है वो भी जा सकता है। तो इसलिए सबसे पहले आप बेसिक अर्न करिए, अर्निंग करिए लर्निंग का अर्निंग करिए, उसके बाद पैसा अर्निंग का प्लानिंग करिए। तो अगर आपको सीखना है स्टॉक मार्केट बेसिक, स्टॉक मार्केट के बारे में कोई गाइड चाहिए तो मेरे को आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बेसिक गाइड कर दूं, वो भी फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप पहले सीखिए, सीखने का दोस्तों यहाँ पे ऐसे आप डेली करोड़ रुपया कमा सकते हो। मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे कमाने का स्कोप इतना ज्यादा आप सोच नहीं पाओगी, सेम गमाने पैसा लॉस होने का भी स्कोप सेम है। तो अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप यहाँ पर से अरबपति भी बन सकते हो। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो यहाँ पर से आप जितना भी पैसा लेके आओगे सब डूब जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों जीरोधा के अंदर कैसे शेयर बाय सेल करते हैं, जीरोधा के अंदर कैसे चार्ट फॉलो करते हैं, मतलब चार्ट देखने दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा मार्केट किस तरह मूव कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जीरोधा के अंदर आपको फंड ऐड कैसे करना, दोस्तों पैसा लगाने के, अगर आपको किसी शेयर स्टॉक बाय करना है तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा ना, पैसा कैसे ऐड करना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा, अगर डीमैट अकाउंट में पैसा पड़ा है कैसे आपको बैंक में ट्रांसफर करना पड़ेगा, कुछ बेसिक चीज आपको इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, वो भी लाइव दिखाऊंगा। कैसे बाय करता है, बाय करके आपको दिखाऊंगा, सेल करके आपको दिखाऊंगा, चार्ट फॉलो अप करके मैं आपको दिखाऊंगा, मार्केट डिप कैसे देखता है वो भी दिखाऊंगा। तो फिर सबसे पहले सीखना है बाय कैसे करें, सेल कैसे करें। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे देख लीजिए, वॉच लिस्ट, ऑर्डर, पोर्टफोलियो, बीड्स और आपका क्लाइंट आईडी, ये जो पांचों ऑप्शन है, इस पांचों ऑप्शन का काम पहले जान लीजिए। सबसे पहला वॉच लिस्ट, वॉच लिस्ट के अंदर यहाँ पर देखिए आपको एक सर्च बार देखने को मिलेगा। आप चाहे तो वॉच लिस्ट के अंदर ऊपर में देखिए फाइनल जो लिस्ट है इस पर क्लिक करके आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे रीनेम करके आप कर दीजिए यहाँ पे आपका फेवरेट बोल के आप ऐसे नाम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इस लिस्ट के अंदर जैसे जितना मैं स्टॉक ऐड करके रखा हूँ, आपको इसमें पहले किसी भी स्टॉक बाय करने से पहले उसको तो ऐड करना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो सपोज यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा कौन सा स्टॉक आपको बाय करना है। सपोज मान लीजिए मेरे को बाय करना है बहुत ही कॉमन स्टॉक HDFC बैंक, सपोज मान लीजिए H। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए HDFC बैंक आ चुका है दोस्तों, दो ऑप्शन आ चुका है, एक BSE और NSE। आपको BSE में दोस्तों आपको मालूम होगा थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम होता है, NSE में ज़्यादा वॉल्यूम होता है, तो आप NSE सिलेक्ट कर लीजिए। करने के बाद देखिए दोस्तों लिस्ट में नीचे देखिए HDFC बैंक आ चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी कंपनी को आपका फेवरेट, जैसे आप मान लीजिए आपका फेवरेट है ITC, तो ITC को सिलेक्ट कर लिया, फिर प्लस आइकन पर क्लिक किया, फिर यहाँ पे देखिए एक एक करके सिलेक्ट हो चुके हैं दोस्तों। अगर आपको यहाँ पर से किसी भी, सपोज मान लीजिए किसी भी स्टॉक को यहाँ पर से उठा देना है, मतलब यहाँ पर से हटाना है, तो फिर आप लिस्ट इसमें क्लिक करिए। इसमें क्लिक करने वाले देखिए यहाँ पर सपोज मान लीजिए इस स्टॉक को मेरे को हटाना है, SAMHI, इसको डिलीट कर दिया, फिर सेव कर दिया, देखिए वो हट गया है दोस्तों। तो पहले आपको पता चल गया दोस्तों कैसे स्टॉक ऐड करना है और आपको वॉच लिस्ट का नाम कैसे चेंज करना है। दोस्तों अभी सपोज मान लीजिए मेरे को बाय करना है, तो यहाँ पे बहुत सारा आपको स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो सपोज मान लीजिए मेरे को बाय किसको करना है दोस्तों, सपोज मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, वो है ITC को। ITC पर क्लिक किया, ITC पर क्लिक करने का दोस्तों देखिए जिसको बाय करना है उसको बस सिर्फ आपको एक क्लिक करना है। क्लिक करने का दोस्तों देखिए ITC खुल चुका है। ITC आज का मार्केट प्राइस देख लीजिए, अभी 2% से भी ज़्यादा ITC प्लस में है। तो यहाँ पे बाय ऑप्शन है और सेल ऑप्शन है। नीचे देखिए दोस्तों मार्केट जो ब्लू है दोस्तों, ये ब्लू है दोस्तों बाइंग, मतलब इतना प्राइस में इतना बायर बैठा है, और जो रेट है दोस्तों ये सेलर है दोस्तों, सेलर का है दोस्तों, मतलब इतना प्राइस में इतना सेलर बैठा है। तो टोटल अभी तक यहाँ पे 2 लाख से भी ज़्यादा बायर बैठा है लेने के लिए, 14 लाख से भी ज़्यादा शेयर बैठा है सेल करने के लिए। तो यहाँ पर से आपको बेसिक आइडिया हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको मैं व्यू चार्ट, फ्रेंड चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। चार्ट के अंदर दो कैंडल दिखता है दोस्तों, एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल। दोस्तों रेड कैंडल मतलब दोस्तों मार्केट आपको दोस्तों सेलिंग सिग्नल दे रहा है दोस्तों, मतलब सेलिंग का दोस्तों प्लानिंग कर रहा है दोस्तों मार्केट। अगर आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा तो ग्रीन कैंडल दोस्तों मार्केट बाइंग का सिग्नल दे रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा दोस्तों मार्केट किस तरह मूवमेंट कर सकता है दोस्तों।
अभी मैं गया, फिर सपोज मान लीजिए ITC मेरे को लेना है, तो ITC में मैं चला जा रहा हूँ दोस्तों, ITC पे आया दोस्तों। अभी आपको क्या करना है दोस्तों, बाय करना है दोस्तों, देखिए तो बाय पे क्लिक किया दोस्तों। देखिए बाय करने से पहले दोस्तों आपको तो पैसा चाहिए, विदाउट पैसा आपको तो बाय सेल नहीं होगा ना दोस्तों, इसलिए बाय सेल देखने से पहले पहले मैं आपको देखाऊंगा पैसा कैसे ऐड करना। देखिए नीचे कॉर्नर पे थ्री आपका क्लाइंट आईडी, इसमें क्लिक करिए। इसमें क्लिक करने का दोस्तों देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिला, ऊपर में फंड पैसा का चिन्ह है, फंड पे क्लिक करिए। देखिए मेरा तो फंड ऐड है, 21,866 रुपये ऐड है, तो आप नए हैं तो आपको तो फंड ऐड करना पड़ेगा, तो फंड ऐड करना पहले सीख लेते हैं। तो ऐड पे क्लिक करिए, प्लस ऐड, यहाँ पे आपको कितना ऐड करना है, मैं आपको पहले आप मेरा फंड देख लीजिए, 21,866 रुपया मोने कर सपोज मान लीजिए मेरे को 300 रुपया ऐड करना है, तो अभी 300 रुपया ऐड करना है, 300 रुपया डाल दिया दोस्तों। अभी यहाँ पे पैसा ऐड करने का बहुत सारा ऑप्शन है, UPI से, गूगल पे से, नेट बैंकिंग से, और भी बहुत सारा ऑप्शन है। मेरे को UPI से करना है तो UPI मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ। अभी दोस्तों यहाँ पे आपको UPI ID दिखाई दे रहा है, मैं फ़ोनपे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो पहले इस तरह से दोस्तों आप अपना फंड को यहाँ पे जैसे फंड ऐड करने का प्रोसेस होता है दोस्तों, देखिए जैसा सेम प्रोसेस आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो देखिए तो फ्रेंड सबसे पहले आपको पता चल गया दोस्तों फंड ऐड कैसे करना है। चलिए आप देख लीजिए फंड 22,000 हो चुका है, तो यहाँ पे से आपको पहले पता चल गया दोस्तों फंड कैसे ऐड करना है। उसके बाद दोस्तों फंड उठाना भी बहुत ईजी बात है, आप चाहे बाद में देख सकते हैं, तब भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे उठाना है। विथड्रॉल पे क्लिक करिए, विथड्रॉल पे क्लिक करने का दोस्तों देखिए यहाँ पे विथड्रॉल बैलेंस मतलब 21,866 रुपये आप उठा सकते हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ पे पैसा उठाने का दो ऑप्शन है, रेगुलर एंड इंस्टेंट। दोस्तों अगर आपको तुरंत पैसा चाहिए तो इंस्टेंट सेलेक्ट कर लीजिए। इंस्टेंट सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन आ रहा है, देखिए इंस्टेंट अगर आपको पैसा चाहिए तो 9 से 4 बजे के बीच आपको करना पड़ेगा मार्केट आवर्स। देखिए दोस्तों तो मैं सपोज मान लीजिए मेरे को 2,000 उठाना है, 2,000 दिया, कंटिन्यू पर क्लिक किया, कन्फर्म कर दिया, तो दोस्तों कुछ टाइम के अंदर मेरा बैंक अकाउंट पे मेरा फंड ऐड हो जाएगा। देखिए फैन फंड चला गया दोस्तों, देखिए पे आउट हो चुका है, तो इंस्टेंट आपको पैसे से आप यहाँ से आपका बैंक खाते में भी ले सकते हैं। चलिए अभी आपको देखना है फंड ऐड तो हो चुका है, अभी आपको पैसा स्टॉक बाय करना है, तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन स्टॉक आपको देखने को मिला। तो चलिए मैं पहले क्या देखाया था, ITC सपोज मान लीजिए आपको बाय करना है, तो बाय ऑप्शन पे क्लिक किया दोस्तों। बाय ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगर आप नए हैं तो कुछ छेड़खानी मत करिए, पहले रेगुलर रहने दीजिए। उसका सबको कितना क्वांटिटी लेना है, सपोज मान लीजिए मेरे को एक क्वांटिटी लेना है, तो एक मैं डाल चुका हूँ, नहीं तो मेरे को दो क्वांटिटी लेना है, दो क्वांटिटी लेना है, तो मैं दो डाल चुका हूँ दोस्तों। अभी मेरे को दोस्तों यहाँ पर से क्या करना है दोस्तों, लिमिट है, तो लिमिट मतलब दोस्तों आपका अगर मार्केट प्राइस पे लेना है तो आप इसमें क्लिक कर लीजिए, मार्केट प्राइस मतलब मार्केट में जो भी प्राइस रहेगा उस प्राइस से आपका शेयर तुरंत आपका अकाउंट में चला आएगा। इसलिए पहले पहले देख लीजिए, पहले क्वांटिटी ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों सबसे अच्छा बोलूँगा मैं, आपका मनमर्जी प्राइस दे दीजिए। सपोज मान लीजिए अगर स्टॉक 465 में आएगा तो आप मेरे को लेना है, तो यहाँ पे मैं मेरा मनमर्जी प्राइस दे चुका हूँ। नीचे दो ऑप्शन है, इंटरडे और लॉन्ग टर्म। इंटरडे मतलब आपको सेम डे बाय सेल करना है, तो इंटरडे है मतलब आज का मार्केट में आपको बाय सेल जो भी करना आज ही करना है। अगर आप नहीं भी कर पाओगे, अगर आप बाय करके रख दोगी तो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। अगर आप इंटरडे सेल करोगे सिलेक्ट करोगे तो इंटरडे सिलेक्ट करोगे दोस्तों आपको मार्जिन ज़्यादा मिलेगा, लिवरेज मतलब दोस्तों अगर आपके पास 1 लाख है आप 4-5 लाख तक का पैसा माल खरीद सकते हो, तो इसको बोलते हैं इंटरडे का। मेरे को अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो लॉन्ग सिलेक्ट कर लीजिए। लॉन्ग सिलेक्ट करने का दोस्तों आपको नीचे स्टॉप लॉस GTT नहीं देखना है, इसलिए थोड़ा सा एडवांस है। अगर आप नए हैं तो पहले ये बेसिक जान लीजिए, उसके बाद स्विफ्ट टू बाय ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। देखिए मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है, अभी आप ऑर्डर पे आ जाइए। पहले वॉच लिस्ट आप सीख चुका है दोस्तों, अभी ऑर्डर पे आ जाइए। ऑर्डर पे आने का दोस्तों देखिए दो चीज़ें आप देखिए, ओपन ऑर्डर मतलब आपका ऑर्डर अभी ओपन है, मतलब अभी आपको बाय नहीं हुआ है दोस्तों। क्यों बाय नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब तक मार्केट का प्राइस 465 में नहीं आएगा तब तक बाय नहीं होगा। जब बाय हो जाएगा तो एग्जिट में चला जाएगा, तब आपका यहाँ पर पोर्टफोलियो में जाके देखोगी पोजिशन पर आपको देखेगा। अभी होल्डिंग मतलब मेरा जो भी शेयर होल्डिंग है पहले से ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, अभी अगर आपको वहाँ पर से बाय करोगे तो तुरंत यहाँ पे पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब आपका शेयर पैसा लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में जा रहा है दोस्तों। चलिए इस तरह से आपको बाय करना है। चलिए मैं अभी अगर छबल मान लीजिए मैं यहाँ पर से अगर आपको ऑर्डर कैंसिल भी करना है तो कैंसिल ऑप्शन पर क्लिक करके कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मॉडिफाई पे जाके आप लिमिट करके तुरंत ले सकते हैं, तुरंत बाय कर लीजिए, बाय हो जाएगा। मैं आपको एक बार बाय करके दिखा भी देता हूँ। ठीक है देखिए फिर बाय हो चुका है, अभी पोजीशन पे आ जाइए। देखिए फिर स्टॉक दिखाई दे रहा है ना,
देखिए अभी 10 पैसे का मेरा प्रॉफिट देख रहे हैं दोस्तों, तो इस तरह से आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पर से अगर आपको सेल करना है, सपोज मान लीजिए आपको प्रॉफिट हो चुका है तो आपको सेल करना है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों होल्डिंग है दोस्तों, आपको होल्डिंग नहीं लेना है। अगर आपको सेम डे करना है तो आपको इंटर डे करना है, तभी मैं होल्डिंग कर चुका, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, सपोज मान लीजिए यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपको यहाँ पर से सेल करके निकल जाना है। इसमें क्लिक करिए, इसमें क्लिक करने दोस्तों आपको एग्जिट ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। एग्जिट ऑप्शन पर क्लिक किया आप मार्केट प्राइस भी दे सकते हैं, अपने मन मर्जी प्राइस चेंज भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर से चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो मार्केट प्राइस रहने दीजिए। स्वीप टू सेल कर दीजिए, देखिए सेल ऑटोमेटिक सेल हो चुका है देखिए। तो फिर मेरे को 30 पैसे का लॉस हुआ, आपको मैं दिखाने के लिए किया था दोस्तों। सेम प्रोसेस से अगर आपको किसी भी स्टॉक डायरेक्ट बाय नहीं करना, डायरेक्ट सेल करना है दोस्तों, इंटर डे के अंदर आप डायरेक्ट सेल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको सेल भी करना है सेम ऑप्शन है दोस्तों, सेम प्रोसेस से आप सेल भी कर सकते हैं, मतलब आपको बाय करना है सेल करना है पता चल गया दोस्तों। अभी दोस्तों आपको जीरोधा के अंदर से जाके आप आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं, वो भी थोड़ा सा एडवांस का है। ये बिट्स ऑप्शन पे क्लिक करिए तो यहाँ पे आपको आईपीओ देखेगा, देखिए आईटीबीसी, एनटीबीसी ग्रीन, लेमोनिस, ईआईएल, सब यहाँ पर से आप आईपीओ में भी पैसा लगा सकते हैं, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा। तो बेसिक दोस्तों आपको आइडिया हो चुका है कैसे शेयर बाय करना है, कैसे शेयर सेल करना है, कैसे फंड ऐड करना है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों और भी आपको मैं एडवांस लेवल का मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों। और एक बात दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले दोस्तों, अगर आपका फैमिली में किसी को भी डीमैट अकाउंट ओपनिंग करना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप डीमैट अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं।